अस्सलाम वालेकुम जी, शुरू करने हैं अज का व्लॉग। उम्मीद करने हैं सारे भैन भरा ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी होंगे अपने घर च, अपने कारोबारों च। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। अच्छा जी, चैनल नू सबसक्राइब कर लिया करो, जिहड़े नवा बंदा आवे तो लाइक जरूर करिया करो, कमेंट भी जरूर करिया करो। तुहाडे कमेंट करन दे नाल हौसला फजाई हुंदी है। वाह, दिनों बाद व्लॉग बनाने लगा वा। उस दिन उकाड़े सन, तो उकाड़े व्लॉग बनाया। जलसे दीआं तैयारियां हो रहीआं सन, नून लीग दीआं मरियम नवाज़ आ रही सी उत्थे, ते उत्थे व्लॉग बनाया सी। अज अपने शहर आ गए हाँ, ते हुण व्लॉग पहला ही बनाने लगा अपने शहर आ गए, जिथे मैं बनाना हुंना वा। ठंड शंड अल्लाह ताला ने वाहवा कर दिती दी है, बड़ा मज़ा आ रहा ठंड च। ठंड च नहाना भी बड़ा औखा वे, क्योंकि पानी ठंडा हुंदा वे। दूसरे नंबर ते बाहर अंदर निकलना, काम करना ठंड विच बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यह कि अल्लाह ताला दा निज़ाम है, कि रब ने जो मौसम दे दिता उहदे मुताबक चलना पैंदा वे। ऐ वेखो बच्चे खेल रहे ने बेरियां च, सुबह सुबह ठंड दे विच, क्योंकि जदों इहनां खेलना शुरू कर देना ना, इहनां नूं ठंड नहीं लगनी हैगी। ऐ वेखो जिसम गर्म हो जांदा वे, दौड़दे आं, गेंद नूं फटदे आं, शॉट लांदे आं। अच्छा जी, अज्ज दी स्टोरी है कि इंसान नूं ना जदों बंदा वेला, जदों बंदा वेला होवे, हड्ड हराम हो जाए, काम ना करे, ये तो जेन हो कि चल भाई पैसे आ रहे नहीं अबे तो है ने, उन्हें तो निज़ाम चलता चलाई आने, तो कुछ ना अबे भी बड़े सियाने होंगे ने। इस तरह ही एक बादशाह, इस तरह एक बादशाह की स्टोरी है कि उसका पुत्र जिहड़ा ना बड़ा आयाश से, क्योंकि बादशाह फिर बादशाह होंगे, उसको मालो दौलत बहुत ज़्यादा अल्लाह ने दिता हों, तो वो बड़ा परेशान रहन लगा अपने बच्चे नूं लैके, कि भई ये मेरा मुंडा क्यों काम कुम नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता सल्तनत वल, कोई दरबार वाल ध्यान नहीं देता है, कोई बादशाह ही नहीं सीखता पाया मेरे को, क्योंकि बादशाह का पुत्र फिर बादशाह ही हुंदा वे। तो वो कुदरत वाला बीमार हो गया, आखिर इंसान ने किन्नी देर दुनिया में रहना हुंदा, लेकिन उन्हें बीमार होया तो उन्हें एक वसीयत लिखी। वसीयत लिख के अपने जो मशीर सन, वजीर सन, उन्होंने दे दी कि मेरा पुत्र अगर इस वसीयत पर अमल करे तो इनू फिर सारा कुछ देना है, वरना इनू नहीं देना हैगा, ये तबाही ला देगा। वक्त आ गया तो वह मर गया। मरण तो बाद उसका पुत्र बड़ा राजी ही, चल भी सारी मालो दौलत मेरी हुई है हुण। तो जो वो मालो दौलत वाल होन लगा तो वो जो वजीर सन ना, उन्होंने दे दिता एक जी वसीयत लिखी सी। वजीर ने उन्होंने वसीयत दे दी कि लो जी शहजादा साहब है पढ़ो। उन्हें पढ़ी तो क्या इस वसीयत पर तुसी अमल करना है, बादशाह सलामत लिखी हुई है। वसीयत यह सी कि तू 1 लाख रुपया मजदूरी करके कमाएगा, तो लिया के इस तिजोरी च रखेंगा जिदा जो तेरे वालद के पैसे ने, तो फिर तू इन का मालक होवेगा। उन्हें समझ लिया वे कोई मुश्किल काम है ही नहीं, 1 लाख रुपया कमाना। जो कमान निकलिया तो तुम्हें पता मजदूर की दिहाड़ी कितनी क होती है। उन्हें कमाया, उन साल लग गए कमाद, 2 साल लगे या 3 साल लगे से कमाए, कमा के लैके आया तो वो जी दौलत सी वो हवाले कर दी गई। उन्होंने फिर उस दौलत की कदर हो गई कि मेरे वालद ने किस तरीके कमाई है, तो एक मजदूर आदमी किमें दौलत कमाता वे, किमें पैसे कमा दिहाड़ियाँ ला के कर, जिन्ना भी वह विगड़िया तिगड़िया से वह बिल्कुल ठीक हो गया, तो अपनी सल्तनत उन्होंने संभाल लिया। गल कर मतलब ये कि इंसान जो मेहनत करता ना, उदों पता चलता है कि भाई किस तरीके दे नाल पैसे जमा किए गए हैं, किस तरीके दे नाल ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, किवें मेरे वड्या मेहनत की। अल्लाह ताला सानू अपनी जनाब च नवाजे। अज्ज दा व्लॉग खत्म करने जी, अल्लाह हाफिज़।